को तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज आई फाइनली फाइनली गॉट टू रेस्ट और काम वगैरह भी ऑलरेडी कर चुका हुआ था, तो आई वेंट संडे बुक शॉपिंग। लॉ से रिलेटेड चंद किताबें उठाई, आई थॉट आई डिस्कस दम विद यू। ज़्यादातर मुझे वहाँ पे पड़ी हुई आर्बिट्रेशन पे मिली हैं। एक 1.5 साल साहिबान है जो महंगी महंगी जो किताबें होते हैं उनको रीप्रिंट करके वो कर रहे हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 500 की थी, वैसे अगर आप खरीदें तो 25 हज़ार की होती है। गैरी एस बॉर्न की है किताब, अच्छी ठीक ठाक रीप्रिंटिंग वगैरह हुई हुई है, फ़ोटो कॉपी करके इन्होंने अच्छे कागज़ के ऊपर छाप के रखी हुई है। वैसे देखने में तो वैसे ही ओरिजिनली फील के अंदर लगती है, माइट इवन बी दैट, और उसके ऊपर सिर्फ कवर ही कॉपी करके लगाया हुआ है शायद। डिस्कार्डेड किताबें उठा के लाएँ। इनिशियल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल एजेंसी डायरेक्टिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम लॉ एंड इकोनॉमिक्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आई डोंट नो कितने के हद तक होगी ये यूजफुल। पिछली वाली तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की इज़ वन ऑफ द लीडिंग किताबें। दिस आई थिंक इज़ मोर फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, इस्लाम ये लिखा हुआ ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लिए उठा ली हुई है, कभी कभार आप आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अनदर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉमन लॉ के परस्पेक्टिव से, ये नील एंड्रूज की किताब है। ये भी सारी की सारी ये 400 वाली हैं, पिछली वाली 500 की थी, और ये आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे देते हैं। इम्प्लाइड टर्म्स एनालिसिस, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स, मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर क्या क्या मामला आते हैं उसके लिए। ये देखिए, अ लॉट ऑफ दीज बुक्स यू कैन प्रॉब्ली पिक अप, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें ये नाम वगैरह डाल के, तो शायद आपको PDFs भी इनकी मिल जाएँ। लीगल इलीगल का आपको, इट्स एंटायरली अप टू यू वेदर इट्स नॉट, और आपने उसको यूज़ करनी है कि नहीं, मगर मिलती हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में मुझे कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था जब इंग्लैंड में डिग्री करने गए थे, मगर वो क्या है, किस तरीके से चलती है, उसके लिए न्यू यूरोपियन यूनियन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है। ये भी मुझे है, ये 16 पाउंड की, लेकिन यूज के अंदर मुझे मिली है आई थिंक 300, ये भी 300-400 के अंदर ही मिली है। तो कि उसके हाउ डिड वी गेट हेयर, किस तरीके से ये सारी डेवलप हुई, कौन से की डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उसका क्या फ़ायदा है। मेरी पहली डिग्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, तो इस इन चीज़ों का मुझे शौक़ काफ़ी है पिछले चंद सालों से, और पिछले इस साल तो ख़ास तौर पर कानून के अंदर और लीगल ये बार पॉलिटिक्स के अंदर और बार ट्रेनिंग में मैं बीच में घुमा हुआ हूँ, लेकिन दिस इज स्टफ दैट रियली एक्साइट्स मी, और मैं आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड वंस अपॉन अ टाइम। एक ज़माने के अंदर UN के अंदर जब न्यूयॉर्क के अंदर था, तकरीबन ज्वाइन भी कर दी थी, नौकरी की ऑफर थी, बट अब यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब द वन ऑफ कंसिडर टू बी वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, रेडफर्न एंड हंटर, ये किताब 500 रुपए में मिली है ये, और अंदर से कागज़ से मैंने, आई डोंट थिंक ये नकली है, आई थिंक दिस इज़ अ रियल वन। कागज़ की क्वालिटी से लगता है, बट ये देखिए ऐसे देखने से लगता है कि शायद फोटो कॉपी है, बट अंदर वाले जो सफ़े हैं जिस तरीके से प्रिंटिंग है, फोटो कॉपी लगती नहीं। बी एज इट में 500 की अगर आप आर्बिट्रेशन में, ये है रसल ऑन आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल, अगर आपने परस्पेक्टिव से देखनी है तो बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैं आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइज भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिल जलता है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन चलती ही नहीं है, चलना चलने दी जा सकती है। आप आर्बिट्रेशन करवा के जीत भी लें तो रूल ऑफ कोर्ट बनाने में कई साल लग जाते हैं, जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए उसके अंदर, उसके ऊपर एक फ्रेश ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। तो अब तो मैं इस हद तक पहुंच गया हूँ कि आर्बिट्रेशन से अपने अगर क्लाइंट्स वगैरह आते हैं डिस्करेज करते हैं, बेहतर है सीधा सूट करके ही, उतना टाइम उसी सूट के अंदर ही लग जाएगा डिग्री हासिल करने में, ना कि आप इतना खर्चा करके इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन करें। बट इट्स ए स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ थिंग। इसके साथ साथ अब बाकी किताबें ज़रा जनरल नौयत की हैं। क्रूसिबल आर्थर मिलर की अगर आपने प्ले पढ़ा हुआ है, प्लेज में फ्रॉम टाइम टू टाइम उठाता रहता हूँ, बिकॉज आई थिंक बार काउंस बार एसोसिएशन के अंदर हमें जमा करके कोई प्लेस वगैरह भी करना चाहिए, और ये इसकी थोड़ी सी कानूनी इंपॉर्टेंस भी है। क्रूसिबल सेलम के जो विच ट्रायल्स थे उसके ऊपर बेस था, कि उन दिनों में ये कम्युनिस्ट के अगेंस्ट अमेरिका के अंदर काफ़ी विच हंट्स हो रही थी, तो उस टाइम के ऊपर आई बिलीव आर्थर मिलर ने जब ये लिखा था। और इट्स अबाउट एनी टाइप ऑफ पीपल जिनको परसिक्यूट किया जा सकता है, आजकल भी बेशुमार लोगों को परसिक्यूट किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पे। यहाँ पे शायद रिलीजन का था, विच ट्रायल्स था, लोगों को विचेस डिक्लेयर करके उनको परसिक्यूट किया जाता था, उसके बारे में आर्थर मिलर का द क्रूसिबल प्ले पढ़ने के काबिल है और करने के काबिल है। 4 एक्ट्स के ऊपर है, शायद किसी दिन अगर मौका मिला
तो वकला दोस्तों को ही पकड़ के व्हाई नॉट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर अच्छा स्टेज है वहाँ पे बना के किया जा सकता है। बोर्ड गेम्स का मुझे बहुत शौक है, बच्चों के साथ खास तौर पे मिलके करते हैं। साइक्लोपीडिया ऑफ गेम्स चेस के बारे में और मुख्तलिफ गेम्स, ये उनके रूल्स रेगुलेशंस खुद कैसे बनाते हैं, कैसे जीतते हैं, अच्छी किताब है इस तरह की। मेरे पास बहुत बोर्ड गेम्स मैं बहुत कलेक्ट करता हूँ और उनकी किताबें भी बहुत कलेक्ट करता हूँ और बच्चों के साथ बैठ के खेलता भी हूँ उसके ऊपर। आप वीडियो गेम्स तो बच्चों के साथ खेल सकते हैं लेकिन बोर्ड गेम्स का अलहदा ही मज़ा है। बच्चे जिस तरह हंसते हैं आपके साथ खेलते हैं और वो हाथ पकड़ के आपके गीटियां मूव करना, ये वो करना, उसके ऊपर वो आपकी मेमोरी सबसे ज़्यादा रहती है आपके जहन के अंदर। ये नहीं कि जो आपने वीडियो गेम अपने बच्चे को हराई थी या उसने आपको हराई थी उसकी इतनी खुशी नहीं होती। सो ये दिस हैज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रियल फीलिंग। म्यूज़िक का मुझे वैसे तक शौक है और एक बंदा जो कि टेक्निकली जिसे गुरु माना जाता है इंटेलेक्चुअली और इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक और खास तौर पर मजा और सैटायर के अंदर, फ्रैंक ज़ैपा वाज द किंग। उसके ऊपर ये मैंने किताब उसकी नहीं पढ़ी, डेंजरस किचन, इसके अगर आपने कभी किसी टाइम के ऊपर सुनना, और सिर्फ नेरे लतीफ़े नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट म्यूजिशियन था और दुनिया के प्रॉब्ली सब सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस केम आउट ऑफ हिज बैंड। स्टीव वाई एक एग्जांपल है, और भी बेशुमार दोस्त वगैरह, बेसिस्ट हो, ड्रमर्स हो, ऑल द बेस्ट पीपल यूज टू वॉन्ट टू प्ले विद हिम। इसके साथ साथ फातिमा के लिए मैंने किताब उठाई क्रिकेट की बॉलिंग की। अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया यूट्यूब के ऊपर, फातिमा ने फास्ट बॉलिंग करते हुए जो मुझे यॉर्क करके आउट किया था, तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर फातिमा आए। उसका वैसे कोई दिल नहीं लगता, बैडमिंटन आजकल खेलने का शौक है। ये दूसरी वैसे पढ़ी हुई थी लतीफ़े के तौर पर ही सही, बट अंडरस्टैंडिंग में मैंने गाइड फॉर गाइज हु आर ऑफन कन्फ्यूज हैं, तो ये सारी लतीफ़े वाली किताब, बट इसको कहते हैं और हैवी इनक्रेडिबली स्टूपिड, बट मैं ये अपने दोस्त हसन यूसुफ शाह को दूंगा। चलें, अगर आपने लॉ में आपका इंटरेस्ट है और लॉ के बारे में आपने लिटरेचर पढ़ना है, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एनी वन राइट्स, जॉन मॉर्टिमर एक राइटर था, रंपल ऑफ द बेली क्रिमिनल एक प्रैक्टिशनर है, बैरिस्टर है, इंग्लैंड के अंदर है, इसकी टीवी सीरीज भी बनी थी, ये पढ़ने के काबिल है। आप पढ़ें, इनसे आपको आइडियाज़ वगैरह भी बड़े मिलते हैं, लॉ से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें, और आपको वैसे भी आपकी एक्साइटमेंट लॉ के बारे में अगर आप इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं। वैसे रामपोल ऑफ द बेली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स और वन ऑफ द बेस्ट, एक पूरी सीरीज़ है इसकी, फॉर एग्जाम्पल रामपोल ऑफ द बेली की, इसके साथ कलेक्शन मुख्तलिफ किताब तो बहुत बुरे हालों में, इसलिए मुझे 100 सवा 100 की में मिली, इसको डिसइनफेक्ट भी करना पड़ेगा, ज़मीन पर पड़ी वहाँ से अनारकली के अंदर वहाँ पर छाबड़ी से उठाइए, फर्स्ट रामपोल ऑमनिबस, और इसके अंदर ये 300 रुपये की थी, जितने इसके नॉवेल्स हैं और छोटे छोटे नॉवेल्स हैं और छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं, ये वाली किताब भी इसके अंदर वैसे मौजूद है। शुरू की जो उसके 5 या 7 नॉवेल्स थे उन सारों को जमा करके, इट्स नॉट फनी, तस्वीर से लगता है कि लतीफ़े होंगे इसके अंदर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एक्चुअली हार्ड कोर वकालत के बारे में है, पढ़ने के काबिल है। रंपल ऑफ द बेली एक कैरेक्टर है जिसको आप हासिल करें, और इसके साथ साथ आपको और भी दिखाऊंगा, एक बंदा जो कि और नॉवल लिखता था, एक सिटिंग जज था इंग्लैंड के अंदर, हेनरी सेसिल, उसकी मैंने आपको शायद पहले ब्रदर्स इन लॉ भी मैंने आपको किताब रेकमेंड की होगी, और ये भी हेनरी सेसिल बैठे हुए, इसने बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे नॉवल्स हैं पेंगुइन के, ये छपे हुए हैं इस तरीके से, 100 रुपए के मिल जाते हैं, पढ़ने के काबिल हैं। और ये है मिस्टर जस्टिस कास्टर्स वॉज नो ऑर्डनरी जज, रिमोर्स स्ट्रिकन आफ्टर एट हॉलिंग हिज फेवर प्रोसिक्यूशन बैंक रॉबर, ही डॉफ्ड हिज विग एंड डॉन्ड डेयर स्टॉकर एंड वेंट टू कन्विक्ट ही एंड द कन्विक्टेड मैंस प्रिटी वाइफ, अच्छा उसकी बीवी जिसको सजा दी है, उसके साथ रेस कोर्स ऑफ इंग्लैंड के अंदर सर्च ऑफ एविडेंस ऑफ द मैन इनोसेंट, जिसको सजा दी थी इसको इनोसेंट डिक्लेयर करने के लिए, उसकी बीवी के साथ जज साहब उसको छुड़वाने के लिए चल पड़ते हैं। सो इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ा सा फनी ना इसका एलिमेंट भी है, और इट्स वर्थ चेकिंग आउट। हेनरी सेसिल के जो भी नॉवल्स मिले हैं आई रिकमेंड पिकिंग दम अप, वेरी वेरी गुड। ये आई थिंक आई थॉट आई रेड इट बट आई प्रॉब्ली हैव नॉट, बिकॉज ये पीछे से जो मैं इसको पढ़ रहा था कहानी वगैरह पहली दफ़ा ही मैंने शायद देखी है। वंस अगेन अनदर वन दैट आई रिकमेंड। दफ्तर के अंदर मेरा पीछे बैक वाली साइड के ऊपर मैं बना लगा एक गार्डन भी बनाना चाह रहा हूँ,
राइयों का अंदाज है मेरे ख्याल में, ये राउंड कंटेनर्स और बास्केट एंड बॉक्सेस। उसके लिए एक ये मुझे मिली है इंडोर गार्डनिंग के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ ग्रीनरी, और जितनी हवा गंदी हवा हो गई है ऑक्सीजन वगैरह के लिए। कंप्लीट इंडोर गार्डनर 400 रुपये की ये थी, ये 300 रुपये की किताब थी, ये की है उठाई है। इंग्लिश लिटरेचर की 100 रुपये की किताब मिली वहाँ पे पढ़ी हुई। ऐसी किताबें मैं पढ़ के इंजर पेंजर अलहदा करके नॉर्मली गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर रख लेता हूँ, और वहाँ से पढ़ के इसमें और किताबों के बारे में भी पता करता है। अब आप पूछते होंगे कि इतनी हर चीज़ें किताबें क्यों पढ़ते हैं, जैसे मैं बार बार हर दफ़ा कहता हूँ, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ने की एबिलिटी आएगी, और वकालत के अंदर भी मोटी फाइलें पढ़ने की अवेलेबल एबिलिटी आएगी। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठा के, इससे आपको पता चलता है और कौन सा अच्छा राइटर था। स्पेंसर फॉर एग्जांपल, फेरी क्वीन जिसने लिखी है उसके बारे में यहाँ से पता चला, और राइटर्स का पता चला। ओल्ड इंग्लिश के अंदर अगर उन्होंने लिखा भी हुआ है तो आपको कम से कम एटलीस्ट यू अवेयर कि किस नौत की आपका चीज़ें किस बंदे ने लिखी हुई हैं, आप कम से कम उसके साथ बारे में बोलने के तो काबिल होते हैं। एक और पढ़ी हुई वहाँ पर किताब दिया था, चेक इट आउट। मेरी एक अजीब सी चीज़ हो गई आजकल, मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ और कई सालों से आई हैव नॉट ड्रैम्प्ट, ड्रीम्स ही नहीं आते। सो मौका ही नहीं मिलता, पता नहीं किस नौत की मैं स्लीप हूँ, बट कंप्लीट बुक ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स को एनालाइज करने के लिए। आई वंडर आपको कैसे बचपन में मुझे आया करते कि मैं उड़ रहा हूँ, या अगर आपके दांत गिर जाते थे, या आप सुपर हीरो हैं। मेरे ख्याल में तो जब कॉमिक्स करते थे इमेजिनेशन आपकी इतनी एक्टिव होती थी तो तब आप इन चीज़ों के बारे में करते थे। इंटरेस्टिंग कंप्लीट बुक ऑफ ड्रीम्स। ये डीके की बाय द वे ये जो कंपनी है डीके, इनकी कोई भी किताब अगर मिल रही हो तो मैं तो हमेशा खरीद लेता हूँ, बिकॉज देयर बुक्स आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग हर टॉपिक पे, हर अंदाज से। सो वर्थ वाइंडिंग कि मैमल्स या रेप्टाइल्स, अगर सांप आपके ख्वाब में आए तो उनका क्या मतलब है, प्रॉब्लम ड्रीम्स कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, पॉप स्टार ड्रीम्स। अच्छा, मैं भी कभी गाने गाने आवाज़ इतनी गंदी है कि कभी ख्वाब में गाने वगैरह नहीं गाए। अच्छा, आखिर में फातिमा मोमिन के लिए, बल्कि फातिमा करने तो ये सारी पढ़ी हुई है। बच्चों के साथ आप जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, उनको किताबें पढ़ने का शौक नहीं होगा, उनका कंप्यूटर बंद करके अगर आप उनको नहीं करवाएंगे। दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम बचपन की, एनिट ब्लाइटन की जो किताबें थी, विशिंग चेयर वाली भी, और उसके साथ फार अवे ट्री भी। ट्री के ऊपर हर दफ़ा कोई एक नई दुनिया हुआ करती थी बच्चों की। उनके साथ बैठ के अगर आप ये पढ़ें और उनको आप एक्साइट वगैरह करवाएं, मोमिन को, इंशाल्लाह मोमिन को नहीं पता मैं उसके साथ जाके ये आज पढ़ूंगा, बेचारे का थोड़ा सा गला वगैरह भी ख़राब है, वीडियो गेम्स तो हम इकट्ठे खेलते रहे, बट आई वॉन्ट हिम टू रीड अ कपल ऑफ स्टोरीज फ्रॉम दिस इज वेल, ताकि उसको भी पढ़ने की आदत हो। और अगर नंबर अच्छे लेने हैं स्कूल वगैरह में, अच्छा करना, तो पढ़ना तो आना चाहिए, बच्चे को किताबों का शौक होना चाहिए। सो दीज आर अ फ्यू बुक्स दैट आई पिक्ड अप। गैरी बार्लो की भी एक किताब ली थी, ये प्रॉब्ली जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर लूँगा। मैं पढ़ना चाहता था टेक दैट के अंदर इसकी और रॉबी विलियम्स की किस तरीके से लड़ाई हुई, और ख़ास तौर पे इनका बैक फॉर गुड जो गाना था वो किस तरीके से गैरी ने लिखा, और ये बाकियों से फ़र्क था, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से था, बॉय बैंड के अंदर हुआ करता था, उन्होंने दोबारा कैसे इकट्ठे हुए, क्या हुआ वो कर, आई मीन एज आई से अन्य वह किताबें पढ़ें, एम ए पॉइंटलेस किताबें भी ज़रूर पढ़ें जिनका आपकी वकालत से कोई ताल्लुक नहीं, ज़ुबान में रवानी और जहन में भी आएगी और आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहेगा। एक्सरसाइज ही होती है, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, माइंड की भी हर नौत की एक्सरसाइज होती है। सो मेरी यही आप दोस्तों को है, संडे को आज थोड़ा सा लूज और रिलैक्स माहौल है। अब फॉर्मूला वन का फाइनल ईयर का मुकाबला शुरू होने लगा है, मैक्स वेस्टैपन और क्या नाम रहा है अपना लुइस हैमिल्टन का, अब दोनों बराबर हैं पॉइंट्स टेबल पे, और आखिरी रेस अब देखते हैं कौन जीतता है। मैं चाहता हूँ लुइस वेस्टैपन हो जाए और ये लुइस हैमिल्टन हार जाए, बट लगता यही है कि लुइस हैमिल्टन हमेशा की तरह जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। सो आई होप यू गाइस हैव अ नाइस वीकेंड, और इंशाल्लाह गप रहती है। थैंक यू, बाय बाय।